हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं टारगेट भी चंद्रा से चंद्रभान। हम लोग आज पढ़ेंगे स्तंभलेख, वो भी लघु स्तंभलेख के बारे में। देखिए, लघु स्तंभलेख जो कि अगर हम बात करें शिलालेखों की, तो 8 स्थलों से 14 शिलालेख मिले थे। उसके बाद हमने देखा लघु शिलालेखों की बात की थी हमने, जहाँ पर 3 स्थानों से 3 और 6 स्थानों से 7 मिलते हैं, कुल मिलाकर के 10 शिलालेख मिलते हैं। लघु स्तंभों की बात करेंगे तो आपके ये कुल मिलाकर के जो 5 लघु स्तंभ हैं वो काफ़ी फेमस है और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। पहला जो आपका स्तंभ लेख है, जिसको लघु स्तंभ लेख बोलते हैं, ये है आपका रुमिनदेही स्तंभ लेख। ठीक, आप देखिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिनदेही स्तंभ लेख, इसको आर्थिक शिलालेख या आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं, आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि इस स्तंभ लेख में आर्थिक विवरण मिलता है, आर्थिक लेखा जोखा के बारे में बात बताई गई है, इसलिए इसको आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। इसको हम स्मारक लेख या स्मारक स्तंभ लेख भी कहते हैं। वो क्यों, ऐसा क्यों? वो इस वजह से, चूँकि रुमिनदेही की यात्रा जो कि एक धर्म यात्रा थी, अशोक के द्वारा की गई थी नेपाल की यात्रा, तो इस वजह से इसको हम स्मारक लेख भी कहते हैं। ये आपका नेपाल में पड़ता है रुमिनदेही, और यहाँ पर अशोक की यात्रा का विवरण भी दिया गया है, साथ साथ में बुद्ध गौतम बुद्ध के जन्मस्थली के बारे में, जो कि लुम्बिनी ग्राम है, उसके बारे में भी यहाँ से विवरण हमको मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एक धार्मिक भेंट का कर होता था, धार्मिक भेंट के लिए जो राजस्व वसूला जाता था, जो टैक्स लिया जाता था, जिसको बलि कर बोलते थे, तो वो बलि कर से लुम्बिनी ग्राम को मुक्त कर दिया गया था। ये जानकारी भी हमें रुमिनदेही स्तंभलेख से मिलती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंट, सबसे छोटा स्तंभलेख रुमिनदेही स्तंभलेख, आर्थिक अभिलेख रुमिनदेही स्तंभलेख, स्मारक अभिलेख रुमिनदेही स्तंभलेख, नेपाल की यात्रा का विवरण, रुमिनदेही की यात्रा का विवरण रुमिनदेही स्तंभलेख से मिलता है, बुद्ध की जन्मस्थली के बारे में जानकारी यहीं से मिलती है। जो दोस्तों धार्मिक भेंट के द्वारा जो कर वसूला जाता था, उसको बलि कर नामते हैं, वो भी यहाँ से, उससे क्या किया गया, लुम्बिनी ग्राम को मुक्त कर दिया गया। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो एक भूमि कर था, तो भूमि कर को भी कम कर दिया गया था, 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया गया था, जो कि यहाँ पर हमने नोट नहीं किया है, तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो। अगला जो नंबर है आपका निगलिवा स्तंभ लेख, ये भी आपका नेपाल में ही है, रुमिनदेही से कुछ दूरी पर यह स्थित है, निगलिवा स्तंभ लेख। ये इसको हम स्मारक स्तंभ लेख भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ भी ये बताया गया कि अशोक ने निगलिवा नामक जगह की यात्रा की थी, जो कि इसकी एक धर्म यात्रा थी। दोस्तों आपको पता होगा कि जब हृदय परिवर्तन होता है अशोक का, तो उसने दिग्विजय के स्थान पर क्या किया, धर्म विजय की बात कही थी। तो वो अब इन बौद्ध स्थलों की यात्रा करने के लिए निकला था, जिसमें से दूसरा नंबर आपका आता है निगलिवा, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, नेपाल में। तो चूंकि वहाँ पर जा करके इसने स्तंभलेख बनवाया, तो उसी स्तंभलेख को नाम दिया गया निगलिवा स्तंभलेख। यहाँ पर भी धर्म यात्रा का विवरण मिलता है। एक मेन पॉइंट यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि कनक मुनि का बौद्ध स्तूप जो वहाँ स्थित है, कहाँ पर, निगलिवा में, कनक मुनि का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, निगलिवा में, नेपाल में, इसका परिवर्धन भी अशोक के द्वारा करवाया गया। परिवर्धन का मतलब ये कह सकते हैं कि पुनर्निर्माण, दोबारा उसको सही से मेंटेन करना या मेंटेनेंस करना। तो कनक मुनि बौद्ध स्तूप का परिवर्धन भी करवाता है, ये जानकारी हमें निगलिवा लघु स्तंभलेख से मिलती है, जो कि नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट नंबर है सांची का स्तंभलेख, जो कि आपका रायसेन मध्य प्रदेश जिला में पड़ता है। सांची का बौद्ध स्तूप भी आपको पता होगा, जिसको अशोक ने ही बनवाया था। तो ये जो आपका स्तंभलेख है, ये क्या जानकारी देता है, कैसा स्तंभलेख है, संघ भेद अभिलेख है, संघ भेद स्तंभलेख। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर महामात्यों की संघ भेद रोकने को आदेश दिया गया था, महामात्यों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया गया था। संघ भेद क्या होता है, जैसे कि बौद्ध संघ है, आपस में एक दूसरे से भेद करते हों, किसी एक बात को लेकर के, कोई एक बात को लेकर के एक मत ना हो, अपने अपने अलग विचारधारा हो, तो ऐसा करने के लिए अशोक ने रोका था और ये आदेश दिया था महामात्यों को। दोस्तों महामात्य क्या होते थे, वो नगर के जो सबसे बड़े अधिकारी हुआ करते थे, उनको महामात्य कहा गया। अग्रमात्य जो होता था वो प्रधानमंत्री होता था, और उसके बाद जो, और उसके बाद अमात्य आता है, वो सबसे प्रमुख राजा के बाद आने वाला पद हुआ करता था। दोस्तों इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो संघ भेद का मतलब है कि ये संघ भेद अभिलेख है। क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इस
अभिलेख से या इस स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है कि संघ भेद करने को रोका गया। जैसे अशोक ने कहा, एक एग्जाम्पल, अशोक ने कहा कि जो भी भिक्षु संघ भेद करता है तो ऐसे भिक्षु को श्वेत वस्त्र पहना करके बौद्ध संघ से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अब आपस में आप झगड़ा करोगे, आपस में एकमत नहीं होगे, तो इस तरीके से जो बौद्ध धर्म है उसका क्या होगा, सही प्रचार ना होकर के दुष्प्रचार हो जाएगा, लोग उसके बारे में गलत बोलेंगे, इस वजह से उसने रोका। नेक्स्ट आपका है सारनाथ स्तंभ लेख, जो कि दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर भी बौद्ध स्तूप स्थित है, ये भी संघ भेद अभिलेख की बात करता है। ये जो स्तंभ लेख है ये भी संघ भेद अभिलेख है। यहाँ पर भी क्या किया गया, महामात्यों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया गया, यहाँ पर भी अशोक के द्वारा आदेश दिया गया। तो इन दोनों में, सांची का स्तंभ लेख और सारनाथ स्तंभ लेख, दोनों में एक ही बात, सेम टू सेम वही बात रखी गई है। नेक्स्ट नंबर लास्ट आपका है कौशाम्बी इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसको कौशाम्बी स्तंभ लेख भी बोलते हैं, इलाहाबाद स्तंभ लेख भी बोलते हैं, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, इलाहाबाद में। इसमें भी ये भी एक तरीके का संघ भेद अभिलेख है, ये भी संघ भेद अभिलेख है। तो दोस्तों तीन आपके संघ भेद अभिलेख हो गए, निगलीवा सांची का स्तंभ लेख, सारनाथ, निगलीवा नहीं है, निगलीवा स्मारक स्तंभ लेख है, रुमिनदेई निगलीवा दोनों स्मारक स्तंभ लेख हैं, सांची का स्तूप, सांची का स्तंभ लेख, सांची का स्तूप दूसरी बात हो गई, सांची का स्तंभ लेख, सारनाथ स्तंभ लेख और कौशाम्बी स्तंभ लेख, ये तीनों क्या हैं, संघ भेद अभिलेख है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कौशाम्बी इलाहाबाद स्तंभ लेख, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है और पूछा गया भी है। देखिए इसको साम्राज्ञी अभिलेख भी कहते हैं, साम्राज्ञी अभिलेख भी कहते हैं, साम्राज्ञी जो कि सम्राट का क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, सम्राट का स्त्रीलिंग होता है। साम्राज्ञी चूंकि अशोक की द्वितीय पत्नी कारुवाकी के बारे में है, इस वजह से साम्राज्ञी अभिलेख भी कहा जाता है, इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, रानी का अभिलेख या साम्राज्ञी अभिलेख। अशोक की द्वितीय पत्नी जो थी कारुवाकी, जिसके पुत्र का नाम था तीवर, तो उसके द्वारा अर्थात किसके द्वारा, कारुवाकी के द्वारा बौद्ध जो संघ थे उनको दान जो दिया गया उसके बारे में विवरण हमें कौशाम्बी स्तंभ लेख से मिलता है कि कारुवाकी ने बौद्ध संघ को दान दिया और उस दान को लिखा गया किसमें, कौशाम्बी स्तंभ लेख में, तो यह जानकारी भी मिलती है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्तंभ लेख आपका आता है दोस्तों। तो एक छोटा सा वीडियो पे मैंने इसको समझाया हुआ है ताकि आप अच्छे से इसको याद रख सको। ये दो आपके स्मारक हैं, तीन आपके संघ भेद अभिलेख हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है रुमनदेई, उसके बाद भी जो इंपॉर्टेंट है वो आपका कौशाम्बी स्तंभ लेख है। तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही था, अब नेक्स्ट टाइम में हम अगले वीडियो पर बात करेंगे इसी विषय पर, अशोक के अगले उसमें बात करेंगे हम। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार, थैंक यू।